नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल और लगा लेते हैं स्पर्शी और अभिलंब से संबंधित। पिछले दिनों कुछ न्यूमेरिकल लगाया गया था, आज और लगा लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखा जाए, दिया गया है अगला नंबर जो भी होगा आप लिख लीजिएगा, वाई बराबर एक्स माइनस सेवन अपान एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब हमें जो है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां यह एक्स अक्ष को काटती है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को जहां काटती है, काटती है उन बिंदुओं पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहली बात यह है कि x अक्ष को अगर काटे तो y बराबर जीरो, हमें पता है कि y बराबर क्या है, जीरो, तो y बराबर जीरो रख दें। तो y बराबर अगर हम जीरो रख दें x अक्ष जहां काटती है, तो x अक्ष को जहां भी काटेगी तो वहां पर y बराबर क्या होगा, जीरो। जब y बराबर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि इसमें y बराबर जीरो रख दें, इसलिए जीरो बराबर एक्स माइनस सेवन अपान एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, यानी एक्स माइनस सेवन बराबर जीरो तो एक्स बराबर सात, अर्थात बिंदु जो हो जाएगा वो जाएगा सात कामा जीरो। तो बिंदु तो पता चल गया कि सात कामा जीरो है, इसलिए अब डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स। तो चलिए डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। अब x माइनस सेवन वाई बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाए dy बाई dx, तो dy by dx क्या होगा, यहाँ पर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और x माइनस सेवन का अवकलन करेंगे तो वन हो जाएगा, और माइनस x माइनस सेवन इंटू इसका अवकलन, तो हम इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन हो जाएगा, ठीक है। या फिर अब इसका गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे, अगर इन दोनों का गुणा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, यही होगा, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस सेवन, और यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है, और नीचे हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स। अब देखेंगे हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया, तो अब ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स बराबर सेवन पर कितना होगा, तो x बराबर सात रख देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सात रखेंगे तो यहाँ पर रख देते हैं, सात माइनस दो सात माइनस तीन माइनस सात माइनस सात, दो बूढ़े सात माइनस फाइव अपान नीचे सात माइनस दो का स्क्वायर इंटू सात माइनस तीन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया क्या, कि ये सात में से दो जाएगा पाँच,
सात में से तीन जाएगा चार, ठीक है। अपान ये तो जीरो हो गया, सात में से दो जाएगा पाँच का स्क्वायर पच्चीस, सात में से तीन जाएगा चार का स्क्वायर सोलह, तो ये चार चौके सोलह और ये पाँच पाँचे बीस, पाँच पाँचे पच्चीस, यानी एक बटा पाँच चौके बीस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया एक बटा बीस। इसलिए स्पर्शी रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन से y माइनस y1 जीरो है, डी वाई बाई डी एक्स का मान एक बटा बीस है, x माइनस सात, x बराबर सात है, अब ये 20 से गुणा कर दें तो ये 20y बराबर हो जाएगा x माइनस सेवन, यानी x माइनस बीस वाई माइनस सेवन बराबर जीरो, यही हो गया स्पर्शी का समीकरण। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। हो गया, चलिए अगला नंबर देखा जाए। वक्र x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1, 1 पर स्पर्शी रेखा तथा अविलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शी रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए, तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ पर हमें पता है कि x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 बराबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस वन, यानी 2/3 माइनस वन, तो तीन में से एक जाएगा, दो जाएगा, तो माइनस 1/3 और प्लस ये y पर, तो ये भी 2/3 और y पर हो जाएगा माइनस 1/3 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो 2/3 तो गायब भी करते हैं, हटा देते हैं, क्यों, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, ठीक है, अपान ये वाई टू द पावर माइनस 1/3। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस जब प्लस हो जाए, ऊपर चला जाए तो पलट जाए आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपान एक्स टू द पावर 1/3, ये है डी वाई बाई डी एक्स, क्यों, तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये हो गया, जब डी वाई बाई डी एक्स पता चल गया है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इतना है, अब ये 1, 1 पर कितना होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स 1, 1 पर, तो माइनस 1/1 टू द पावर 1/3 बराबर माइनस 1, ठीक है, ये तो माइनस 1 आ गया। इसलिए स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर
डी वाई बाई डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन से, तो वाई माइनस वन बराबर माइनस वन एक्स माइनस वन, माइनस से गुणा कर दो, वाई माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस वन, इधर लेके चले आए तो एक्स प्लस वाई और माइनस टू बराबर जीरो, यही हो गया अभीष्ट रेखा का समीकरण। ठीक है, यह स्पर्शी का समीकरण है। अब देखिए तथा अभिलंब का समीकरण, तथा अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण देखा जाए, अभिलंब का समीकरण हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपन डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स माइनस एक्स वन से, तो वाई माइनस वन बराबर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वन, माइनस वन अपन माइनस वन ऐसे, और एक्स माइनस एक्स वन तो वन, ये वाई माइनस वन बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वन यानी एक्स माइनस वन, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वाई बराबर एक्स या एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, तो ये हो गया अभिलंब का समीकरण। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब देखिए सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स प्लस ए साइन एक्स अपान ए कि वे सभी बिंदु, वे सभी बिंदु जिन पर स्पर्श रेखा, जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर है, एक परवलय पर स्थित है, एक परवलय पर स्थित है, ये सिद्ध करना है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि जब हम बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो जो रिलेशन होगा वाई और एक्स में ऊपर वाले का समीकरण होगा, इसका यही सेंस है। चलिए तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स प्लस ए साइन एक्स अपान ए। अच्छा डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे और एक्स एच के समांतर है तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर जीरो करेंगे, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 2y dy by dx y स्क्वायर का और 4a x का 1 हो जाएगा और ये a sin x by a का cos x by a और x by a का 1 अपान a, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a 2y dy by dx और ये हो जाएगा 4a, गुणा कर रहे हैं 4a, ठीक है, और 1 प्लस cos x अपान a और ये हो गया केवल इतने का मान। अब dy by dx क्या होगा तो dy by dx जाएगा 4a और 1 प्लस cos x अपान a और पूरे का बटा 2y, दो से ये चार कट जाएगा दो, ये हो जाएगा 2a और यहाँ 1 प्लस cos x अपान a अपान y dy by dx। चूँकि हमें पता है, हमें ज्ञात है कि dy by dx जीरो है क्योंकि x अक्ष के समांतर है, ब्रैकेट में लिख दें x अक्ष के समांतर है, ठीक है। अब इसलिए ये लिख दिया जाए 2a और 1 प्लस cos x अपान a अपान y बराबर क्या होगा जीरो, क्लियर है। अब जरा यहाँ देखिए कि dy by dx है और ये हो गया जीरो, तो जब ये जीरो हो गया तो cos इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा तो 1 प्लस, इसलिए 1 प्लस cos x अपान a बराबर जीरो, तो cos x अपान a बराबर माइनस 1। अब cos x अपान a बराबर माइनस 1 इसका मतलब है कि cos x अपान a बराबर माइनस 1, माइनस 1 तब होगा जब कास पाई होगा, तो एक्स अपान ए बराबर पाई, एक्स अपान ए बराबर क्या हो गया पाई। तो अब एक्स अपान ए जब निकाला जाएगा तो पाई न लिख कर बल्कि व्यापक पद लिखा जाता है, तो आपको फार्मूला याद होगा कास थीटा बराबर, यदि कास अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। यही 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पर उसी तरह इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos, तो x अपान a बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई, पाई रखेंगे अल्फा की जगह पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x अपान a बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब x के इस मान को हम रख दें जो समीकरण दिया गया है उसमें, ठीक है, जो समीकरण दिया है उसी में रख दिया जाए। कौन सा समीकरण दिया गया था तो जो वाई स्क्वायर बराबर समीकरण दिया गया है, ये दिख रहा है ना, तो वाई स्क्वायर बराबर, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर ये मान रख देते हैं, ठीक है। तो ये एक्स अपान ए के स्थान पर ये मान रखेंगे तो एक्स बराबर ए हो जाएगा। चलिए तो 4a और एक्स की जगह पर लिखा जाए ए और ब्रैकेट में 2n पाई प्लस माइनस पाई, क्लियर, और प्लस a साइन 2n पाई साइन 2n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक है।
अब देखिए कि यहाँ पर हम 2n पाई प्लस माइनस x अपान एक स्थान पर, ठीक है। अब ये 4 है, अब इसमें अगर हम इसमें साल्व कर लें इसको, तो जब इसको साल्व किया जाए तो देखा जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो चाहे प्लस रखें या माइनस रखें, एन का मान 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों? साइन 0 का मान 0, साइन 180 हो चाहे साइन 360 हो, सभी का मान क्या होता है? 0। तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, यहाँ आ गया 4a स्क्वायर, और इसमें जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई। क्लियर? इतना समझ में आया सभी लोगों को? अब हम देखेंगे कि जो हमने निकाला है, जो हमने प्राप्त किया है कि x अपान a बराबर क्या, ये दिख रहा है समीकरण 1 या 2 जो भी करें, ये दिख रहा है आपको x अपान a बराबर इतना, ठीक है। तो जहाँ इतना है 2n पाई प्लस माइनस पाई, वहाँ पर x अपान a रख दें, तो यहीं पर x अपान a रख दिया जाए। क्यों? तो 4a स्क्वायर इंटू यहाँ पर रख दें x अपान a, तो a से स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए कि y स्क्वायर बराबर 4ax आ गया, y स्क्वायर बराबर 4ax, जहाँ x और y उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जो dy/dx बराबर 0 है। क्लियर है? जो dy/dx क्या है, यानी x और y उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जहाँ dy/dx 0 है। अब dy/dx 0 है, इसका मतलब ये है कि जो बिंदु प्राप्त हुआ है y और x में जो रिलेशन आया है, तो यह बिंदु जो है, यह बिंदु परवलय है, यह बिंदु क्या है? परवलय है। और यही तो दिखाना था हमें, तो प्रूव हो गया। प्रूव कर लीजिए जल्दी से, इसे जल्दी से प्रूव कर लीजिए। हो गया? चलिए अगला नंबर देखा जाए। x बराबर a t प्लस साइन t तथा y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस t के बिंदु t पर स्पर्श रेखा का स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि x बराबर a इंटू टी प्लस साइन टी, इसलिए dx बाई डी टी बराबर a 1 प्लस ये cos t हो जाएगा, तथा y बराबर a, इसको एक नंबर y बराबर a और लिखा गया है 1 माइनस कॉस t, तो dy/dt बराबर होगा a 1 का 0 cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, यानी a साइन टी। ये है dy/dt। अब इसलिए अब
डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी देखा जाए तो डी वाई बाई डी टी है ए साइन टी और डी एक्स बाई डी टी है ए वन प्लस कॉस टी। ए से कट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन टी को लिख सकते हैं टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू और वन प्लस इसको लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू माइनस वन। तो वन से वन कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा साइन अपान कॉस टेन टी बाई टू। ये है डीवाई बाई डी एक्स, ये तो आ गया डीवाई बाई डी एक्स। इसलिए स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स सेवन से यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पर ये a a और वन माइनस cos t और dy वाई बाई डी एक्स का मान tan t बाई टू और x माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान a इंटू टी प्लस साइन टी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए ये दिया गया है tan, तो tan के पदों में ही रहने दें क्यों, तो tan t बाई टू इंटू एक्स और ये y है तो y माइनस a प्लस a cos t बराबर tan t बाई टू इंटू एक्स माइनस a इंटू टी प्लस साइन t इंटू इंटू टेन टी बाई टू। अब इन सब को उधर लेके जाएं तो टेन टी बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है माइनस वाई और माइनस ए टी प्लस साइन टी इंटू टेन टी बाई टू और ये इधर आएगा तो प्लस ए माइनस ए कॉस टी। ठीक है, अब इसका गुणा कर दें इसमें तो टेन टी बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई और ए माइनस ए टी और माइनस ए साइन टी, ए साइन टी टेन टी बाई टू इंटू टेन टी बाई टू। तो ऐसे हर जगह टेन टी बाई टू का गुणा भी कर दे, टेन टी बाई टू माइनस ए साइन टी इंटू टेन टी बाई टू प्लस ए माइनस ए कॉस टी बराबर जीरो। ठीक है, बराबर क्या हो गया जीरो। अब यही हो गया, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अचर पद है। ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें कोई सलूशन दिख नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। अब ये कर सकते हैं कि साइन टी को टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू, साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू कॉस टी बाई टू कॉस टी बाई टू कटेगा तो साइन स्क्वायर टी बाई टू आएगा, यही आ सकता है। ठीक है, साइन स्क्वायर टी बाई टू और ये ए कॉस टी है
तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1-2 साइन स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं। सरल करेंगे तो थोड़ा सा सरल हो सकता है, या इसी को छोड़ दीजिए जैसा भी हो, ठीक है कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसे। हो गया, चलिए अगला देखा जाए। अगला देखते हैं, x बराबर a साइन क्यू टी तथा y बराबर b कॉस क्यू टी के बिंदु t बराबर पाई बाई टू है या पर t बराबर पाई बाई टू पर स्पर्शी रेखा का समीकरण याद कीजिए। स्पर्शी रेखा का समीकरण ज्ञान कीजिए, तो हमें पता है कि x बराबर a साइन क्यू टी, तो dx बाई डी टी बराबर a साइन क्यू टी का पहले साइन t के सापेक्ष और फिर साइन t का t के सापेक्ष a इंटू 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का cos t, ये हो गया 3a साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ये dx by dt है एक, तथा y बराबर b cos q t है इसलिए dy by dt बराबर b और cos q t को पहले cos t के सापेक्ष और फिर cos t का t के सापेक्ष, तो b और यहाँ पे cos q t का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b का माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t, ये हो गया dy बाई dt। अब इसलिए dy बाई dx बराबर dy बाई dt अपान dx बाई dt से यहाँ देखा जाए तो dy बाई dx बराबर ये माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपान 3a साइन स्क्वायर t इंटू cos t, 3 से 3 कट जाएगा माइनस b अपान a, अच्छा cos स्क्वायर से cos, साइन से साइन कटेगा, ऊपर बचेगा cos नीचे बचेगा साइन, तो cos t अपान साइन t, ये है dy बाई dx, ये माइनस b अपान a
काट टी है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स टी बराबर पाई बाई टू पर माइनस बी बाई ए और काट पाई बाई टू, तो इसका मतलब है कि ये जीरो हो जाएगा। काट पाई बाई टू पर जीरो है तो ये माइनस बी बाई ए इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया, जीरो। डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ गया। जब डी वाई बाई डी एक्स जीरो है तो इसका मतलब है कि रेखा का समीकरण, तो हम देखेंगे कि बिंदु के जो निर्देशांक हैं एक्स बराबर बिंदु जो है, तो बिंदु क्या है, बिंदु है ए साइन क्यू टी, तो साइन क्यू और टी की जगह पर पाई बाई टू, और बी कास क्यू पाई बाई टू। इसका मतलब ये है कि ए इंटू वन और बी इंटू जीरो, इसका मतलब ए कामा जीरो है, इसलिए इस पर स्पर्शी का समीकरण, ए कामा जीरो पर स्पर्शी का समीकरण वाई माइनस वाई वन और डी वाई वाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन से y माइनस y1 है जीरो, dy वाई बाई डी एक्स है जीरो, एक्स माइनस ए इधर तो जीरो हो गया और ये y माइनस यानी y बराबर जीरो, ये आ गया y बराबर जीरो। यही हो गया स्पर्शी का समीकरण। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। अगला नंबर देखा जाए, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिन पर खींची गई वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर की स्पर्श रेखाएं
रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती हैं, मूल बिंदु से गुजरती हैं। चलिए, हमें चूंकि पता है y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसलिए dy बाई dx बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि बिंदु क्या है, तो मान लें, ठीक है, 2x प्लस 3 बिंदु एच कामा के स्पर्श पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा का समीकरण तो के लिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर जगह 2h प्लस 3, ठीक है, तो स्पर्शी का समीकरण होगा, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का जो समीकरण होगा वो y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और x माइनस एक्स वन से तो y माइनस वाई वन की जगह पर k और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ समझना ये है कि मूल बिंदु से होकर जाती है, किससे होकर जा रही है, मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो हम यहाँ पर पहले y माइनस k कर दें और dy by dx, तो dy by dx जगह पर 2h प्लस 3 कर दें और x माइनस x1 के जगह पर h कर दें, ठीक है, जो मूल बिंदु से ऊपर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, इसलिए y जीरो और x जीरो कर दें तो जीरो माइनस के बराबर 2h प्लस 3 इंटू जीरो माइनस h, तो माइनस के बराबर या k बराबर हो गया, गुणा कर दिया जाए तो 2h स्क्वायर प्लस 3h, ठीक है, k बराबर 2h स्क्वायर प्लस 3h। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर यही, ठीक है, यही जो है ये समीकरण रख दिया जाए, चूंकि हमें तो पता है ये समीकरण एक है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4, तो ये समीकरण दो कर दें, ठीक है। अब एच कामा के वक्र वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर स्थित है, पर है, इसलिए इसको संतुष्ट करेगा, यानी k बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 4 समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, 2 और 3 से देखा जाए क्या है, तो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो 2h स्क्वायर प्लस 3h बराबर यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 4। अब देखिए 3h कैंसिल, h स्क्वायर इसमें से निकल जाएगा तो 1h स्क्वायर बराबर 4, तो h बराबर प्लस माइनस 2, जब h बराबर 2 आ गया तो k का मान निकालना है, इसलिए k की वैल्यू चाहे इसमें रखें, कहीं भी रखकर निकाल सकते हैं,
तो भाई के की वैल्यू हम निकालेंगे, तो एच की वैल्यू अगर प्लस दो है, यानी ऐसे लिखें यदि एच बराबर दो तो के बराबर लिखेंगे टू एच स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर और प्लस थ्री एच, थ्री इंटू टू, तो चार दुना के आठ प्लस छः यानी चौदह। इसलिए बिंदु हो गया क्या, दो कामा चौदह। ठीक है, एक तो दो कामा चौदह पर खींची गई स्पर्शी है, दूसरा तो इस पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो इसका मतलब दो और चौदह, एच दो है और के चौदह, इसी में रख देंगे। इसलिए इस पर स्पर्शी का जो समीकरण आएगा, स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण अगर हम यहाँ निकालें तो क्या आ जाएगा, अब स्पर्शी का समीकरण इसी में h के जगह पर क्या रखेंगे, k के जगह पर 14 और h के जगह पर 2 रख देंगे, बस निकल जाएगा स्पर्शी का समीकरण। लेकिन यहाँ स्पर्शी का समीकरण तो पूछा नहीं गया है, बिंदु के निर्देशांक तो एक तो 2 कामा 14 हो गया, दूसरा अगर h बराबर तथा h बराबर माइनस 2 हो तो k बराबर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर 2 गुणे माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे माइनस 2, यानी ये तो 8 माइनस 6 बराबर 2, यानी बिंदु हो गया क्या, तो बिंदु हो गया h का मान माइनस 2 और k का मान 2, माइनस 2 का मान 2, बिंदु हो गया 2 का मान 14 या माइनस 2 का मान 2, सॉल्व कर लीजिए। हो गया, हो गया। आइए कुछ रिवीजन कर लिए जाए। तो लिखिए, सिद्ध कीजिए कि रफ कार्य पर लिखिएगा, और इसके बाद अब कल बताया जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे स्पर्शी रेखा में, अभी और बताएंगे, उसके बाद बताएंगे आपके चैप्टर का नंबर का। तो चलिए आइए देखा जाए। काट इनवर्स 7 प्लस काट इनवर्स 8 प्लस काट इनवर्स 18 बराबर प्रूव करना है काट इनवर्स 3। ठीक है, काट इनवर्स 3 प्रूव करना है।
तो चलिए ये प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड, ये फार्मूला होता है, बराबर होता है कॉट इनवर्स, ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड अपान एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसी में रख दिया जाए, सो इसलिए कॉट इनवर्स सेवन प्लस कॉट इनवर्स एट प्लस कॉट इनवर्स 18 बराबर इसी में रख देते हैं, तो कॉट इनवर्स ये 7 इंटू 8 इंटू 18 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 18 नीचे हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 18 प्लस 7 इंटू 18 माइनस 1। अब इसी को प्रूफ करना है, प्रूफ सॉल्व करना है, तो कॉट इनवर्स 8 7 8 जा 56 यानी 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56 गुणे 18 माइनस ये सब जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ देते हैं, 8 7 15 15 और 18 जोड़ दिया जाए तो 33, तो माइनस 33 अपान ये 8 सत्ते 56 प्लस 18 8 चौवालीस 8 64 144 और 18 सत्ते यहाँ 7 8 56 126 हो गए, 7 कम 7 5 12 और माइनस 1। अब यहाँ पर गुणा कर दें तो कॉट इनवर्स 18 छक 8 छक 48 यानी 108 हो जाएगा, 18 छक यानी 8 करता है 6 4 10 108 तो 10 हुआ, फिर 18 5 90 90 में 10 जोड़ दीजिए 100, ठीक है, तो 1008 माइनस 33 ये जोड़ दीजिए सब, तो 56 जोड़ दें इस 44 में, तो पहले 6 जोड़ेंगे तो 50 200 हो गया, तो 326 माइनस 1। अब ये कॉट इनवर्स घटा दें, 8 में से 3 जाएगा 5, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 975 बटे ये 6 में से 1 जाएगा 5, 2 325। अब ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, काट दीजिए तो कॉट इनवर्स 3 बराबर RHS प्रूव्ड, कर लीजिए जल्दी से प्रूव, ये सिद्ध करना था। हो गया तो आज इतना ही, कल मिला जाएगा तो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।